फिर से नेचुरल एरियाज़ में आ चुका हूँ और बात करते हैं दोस्तों। मूड तो ऑफ ही है क्योंकि जो मैं नज़ारा देखना चाहता था वो मैं नहीं देख सका क्योंकि मैं लेट निकला था। तो दोस्तों आपको भी थोड़ा नज़ारा देखा था हूँ तो मेरे को बहुत बैड फील हो रहा है क्योंकि मैं जो नज़ारा देखने के लिए करने की कोशिश करता हूँ वही नज़ारा मैं मिस कर देता हूँ हर बार। तो वो नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। थोड़ा जो मैं देखना चाहता था वो तो नहीं देख पाया, लेकिन अभी का जो व्यू है वो मैं आपको अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो ये भी नज़ारा दिख रहा है ठंडी के मौसम में। करते हैं, मेरे को अभी जू डैम के ऊपर जाने को परमिशन नहीं मिला, इसलिए मैं ये डैम के जो बैक साइड होती है वो साइड में आ चुका हूँ। तो यहाँ का लुक का नज़ारा देखता हूँ और ये व्लॉग में थोड़ा कैप्चर करता हूँ दोस्तों। यहाँ का भी ये डैम के बीच में छोटा सा टापू जैसा है, तो मैं वो इलाके में आ गया हूँ। यहाँ का व्यू देखते हैं, ये पानी के बीच में है जैसे छोटा सा टापू होता है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये जू डैम का व्यू, यहाँ से नज़र आया बहुत लाजवाब दिखता है। तो देख सकते हैं ये है कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ का दोस्तों। पहाड़ है, डैम का पानी है और पीछे सन भी आ गया है, देख सकते हैं। बहुत थोड़ा ठंडी का मौसम भी है तो थोड़ा ठंड भी लग रहा है। और पहाड़ का व्यू पानी के साथ मैच होके बहुत बढ़िया दिख रहा है, देख सकते हैं।